भारत की सबसे बड़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी बिक रही है। बिस्लरी के पानी बोतल को देश के हर एक कोने तक पहुंचाने वाले कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान उत्तराधिकारी के अभाव में इसे बेच रहे हैं। उनकी बेटी जयंती चौहान की दिलचस्पी बिस्लरी के कारोबार में नहीं है, इस वजह से रमेश चौहान बिस्लरी के लिए खरीदार तलाश रहे हैं। रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान की उम्र 37 साल है और ये बिस्लरी कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है, लेकिन खबरों की माने तो उनकी रुचि बिस्लरी के कारोबार में नहीं है। जयंती चौहान का बचपन दिल्ली, बॉम्बे और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में बीता है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पढ़ाई करने के लिए फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग में दाखिला लिया था। ये इंस्टीट्यूट लॉस एंजलिस में है। जयंती ने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई की है। जयंती ने कई प्रमुख फैशन हाउस में इंटर्न के तौर पर काम भी किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से अरबी में भी डिग्री हासिल की है। जयंती ने 24 साल की उम्र में अपने पिता की देखरेख में बिस्लरी के कारोबार को संभालने की शुरुआत की थी। पहले उन्होंने दिल्ली ऑफिस के कामकाज को संभाला, यहां उन्होंने प्लांट का रिनोवेशन किया और ऑटोमेशन प्रोसेस पर फोकस किया। एक मजबूत टीम के लिए उन्होंने HR, सेल्स और मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट को नए रूप में तैयार किया। साल 2011 में जयंती ने मुंबई ऑफिस के भी कारभार को संभाल लिया था। जयंती ने न केवल नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर काम किया, बल्कि वो बिस्लरी मिनरल वाटर, हिमालय के वैदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक्स और बिस्लरी हैंड प्यूरिफायर के ऑपरेशन को व्यवस्थित करने में अग्रेसिव रूप में शामिल रही। वो कंपनी के विज्ञापन और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में भी पूरी तरह से शामिल रहती थी। उन्होंने बिस्लरी के सेल्स और मार्केटिंग टीम का नेतृत्व भी किया है। मार्केट में कंपनी के प्रदर्शन और ब्रांड वैल्यू वो खुद सुनिश्चित करती थीं। जयंती चौहान ट्रैवलर, एनिमल लवर और शौकिया फोटोग्राफर हैं, लेकिन अब कंपनी के कारोबार में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। रमेश चौहान अपनी खराब स्वास्थ्य और बेटी जयंती के व्यवसाय में रुचि की कमी के कारण कंपनी को बेचना चाहते हैं। फिलहाल जयंती बिस्लरी कंपनी से जुड़ी हैं, लेकिन फैशन क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि है और वो अधिकतम समय लंदन में रहती हैं। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रमेश चौहान ने कहा कि बिस्लरी से अलग होना एक मुश्किल फैसला है, क्योंकि उनका कंपनी चलाने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए चौहान ने कहा कि वो अल्पमत हिस्सेदारी नहीं रखेंगे, बल्कि पर्यावरण और धर्मार्थ कार्यों में निवेश करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि बिस्लरी 6000 से 7000 करोड़ में बिक सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब